फ्रेंड्स, मैं संध्या अग्रवाल आज आपको सिंधी टाके में बेसिक बता रही हूँ। ये काफ़ी सारे बिगनर्स हैं जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है, तो चलिए आज इसको देखते हैं। हम शुरू से ट्रेसिंग से समझते हैं इसको। हम एक सिंपल एक बॉक्स बनाएंगे, ये ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे आगे बढ़ाएंगे इसको, ताकि हमें स्टिच ट्राइंगल बनाने में आपको दिक्कत ना हो। और फिर नंबरिंग करेंगे, ये 1, 2, 3, 4। ये 1 की लाइन खड़ी, 2 की लाइन आड़ी, 3 की लाइन ये खड़ी, 4 की लाइन ये आड़ी, है ना। चलिए इसको देखते हैं। हम शुरू करेंगे ये 1 की लाइन से। 1 से हम जाएंगे 2 में और धागा नीचे डालेंगे, ये। अब 2 से यहाँ पर निकालते हैं, ये यहाँ पर हमारा धागा ऊपर रहेगा, है। अब हम 3 में यहाँ निकालते हैं। अब 3 में यहाँ ऊपर निकालेंगे, ये। अब 3 में ये धागा इस लाइन के ऊपर रहेगा कि नीचे, ये हमें देखना है। 2 में हमें इसलिए नहीं देखना था क्योंकि 1 में हमारी ये कॉर्नर बनानी है, इसलिए हम 2 में धागा ऊपर रखे। अब हम 3 में देखेंगे कि ये धागा ऊपर रहेगा कि नीचे। तो 2 की ये 3 की लाइन बन कैसी रही है, इस तरह से 3 और 4 की लाइन ये इस तरह से बन रही। तो 3 के लिए हम 2 का कॉर्नर देखेंगे। 2 का कॉर्नर में इस तरह की लाइन को देखेंगे, ये खड़ी लाइन को, क्या है, लाइन नीचे है। तो धागा ये वाला धागा को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। ये लाइन नीचे है तो यहाँ ऊपर रखेंगे, यहाँ पर लेते हैं ये। अब फिर ये 4 से निकालते हैं, ये। अब 4 में लाइन कैसी बन रही हमारी, इस तरह की, है ना, आड़ी लाइन। 4 के लिए कॉर्नर कौन सा देखेंगे, 3। तो 3 की कौन सी लाइन देखेंगे, आड़ी लाइन, क्योंकि आड़ी लाइन बन रही है। तो 3 की आड़ी लाइन कहाँ है, नीचे। तो 4 में धागा ऊपर रखेंगे, नीचे है ऊपर रखेंगे, नीचे नीचे नहीं रहेगा, ऊपर ऊपर नहीं रहेगा, नीचे ऊपर। अब ये 1 के लिए 2 का कॉर्नर देखेंगे, क्योंकि अब 1 में बनाना है। तो 1 के लिए 2 का कॉर्नर में क्या है, आड़ी लाइन बन रही है। आड़ी लाइन कैसी है, ऊपर है, तो हम इसको नीचे डाल देंगे, यहाँ पर नीचे कर देते हैं। अब ये कच्चा टाका सिंगल बॉक्स का हुआ, अब हम इसी को डबल बॉक्स का एक कच्चा टाका सीखते हैं। देखिए किस तरह से, ये एक बॉक्स और ये सेकंड। इसको भी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हम वैसी करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैसे किए, क्लॉकवाइज में गए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से वापस 1। चलिए इसको करते हैं। इसको लेंगे 1 से लिए, 1 की थोड़ा सा पहले से लेंगे, यहाँ से, है ना। अब 2 के थोड़ा सा आगे निकालेंगे, इसमें हम अपनी लाइनें नहीं बना रहे, हम इसी तरह से सोच के करेंगे और 2 के यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। धागा 2 में हमारा ऊपर रहता है, 3 के नीचे डालें आड़ी लाइन में, फिर यहाँ से 3 की दूसरी लाइन से वापस निकालें, ये। अब देखिए 3 के लिए 2 का कॉर्नर देखेंगे, है ना, कॉर्नर के कौन सी लाइन देखेंगे, जिस तरह की 3 की लाइन बनने वाली है। तो इस तरह की लाइन बनने वाली है, तो इसकी यहाँ पर वो वाली लाइन कैसी है, इस तरह की लाइन, खड़ी लाइन यहाँ पर नीचे है। तो यहाँ पर धागा हमारा 3 में क्या होगा, ऊपर आएगा। अब 4 के यहाँ तक जाएंगे, ये यहाँ तक, ठीक है। और फिर ये 5 यहाँ से, 4 के यहाँ से निकालेंगे। अब 4 में हमें देखना है कि हमारी धागा इस लाइन के ऊपर रहेगा कि नीचे। तो 4 के लिए क्या करेंगे, हम लाइन कौन सी बनने वाली, सबसे पहले ये देखेंगे लाइन कौन सी बनने वाली हमारी, आड़ी, इस तरह की खड़ी है, आड़ी, है ना। इसके लिए आगे की लाइन क्या बनी है, आड़ी लाइन, 1 से 6। तो 1 से 6 में अभी लाइन बनी नहीं है, तो हम 2 और 3 की लाइन देखेंगे, आड़ी लाइन में ये 2 और 3 की है। 4 के लिए कॉर्नर कौन सा देखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर कॉर्नर कुछ बना नहीं है, ये वाला देखेंगे। तो 3 में आड़ी लाइन कैसी है, नीचे है, तो हमारा ये धागा कहाँ जाएगा, देखिए ये नीचे है, तो यहाँ पर जो धागा आएगा क्या होगा,
ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये कॉर्नर है, इसके बाद ये कॉर्नर है, यहाँ पर धागा ऊपर आएगा और फिर फोर में धागा का क्या जाएगा नीचे, क्योंकि एक कॉर्नर बढ़ गया है हमारा नीचे। अब फाइव के यहाँ जाएंगे, अब यहाँ से निकालेंगे। अब ये देखिए फाइव में लाइन कौन सी बनने वाली है, खड़ी, फाइव और सिक्स की खड़ी लाइन। तो इसके लिए फाइव के लिए फोर की खड़ी लाइन देखेंगे, फोर की खड़ी लाइन क्या है, ऊपर है, तो हम इसके नीचे जाएंगे, ये। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ से निकाल देते सिक्स में, फिर वापस सिक्स से निकालते। अब देखिए सिक्स कौन सी लाइन बनने वाली, सिक्स की खड़ी लाइन है ना, खड़ी लाइन सिक्स के लिए फाइव की देखेंगे, सिक्स के कॉर्नर के लिए फाइव की खड़ी लाइन देखेंगे, खड़ी लाइन क्या है ऊपर, तो अब हम नीचे डालेंगे। फिर ये वाले में फोर के लिए हम हमारी खड़ी लाइन क्या है नीचे, तो ये ऊपर डालेंगे। फिर यहाँ पर वन के लिए हम, अब वन के लिए हम टू का कॉर्नर देखेंगे, टू का खड़ी लाइन देखेंगे, ये खड़ी लाइन तो ये क्या है ऊपर है, तो वन में हम नीचे डालेंगे। अब ये देखिए जब भी हम बनाते हैं, जैसे फाइव के लिए तो हम फोर का कॉर्नर देख रहे हैं, सिक्स में फाइव का कॉर्नर देख रहे हैं, और लाइन कौन सी देखते हैं, खड़ी लाइन का धागा या आड़ी लाइन का, जो लाइन बनने वाली है उसका धागा देखते हैं। और यहाँ पर हमारे तीन कॉर्नर मिल रहे हैं, तो हमें इसको भी देखना है, जैसे थ्री के लिए थ्री का देखना है, फिर इसको देखना है, फिर इसको देखना है। तो चलिए हम अब थ्री बॉक्स को सीखते हैं। अब हम थ्री बॉक्स का कच्चा टाका करेंगे। तो थ्री बॉक्स बनाने के लिए हम देखते हैं कैसे बनेगा, ये एक बॉक्स, फिर हम दूसरा बॉक्स कॉर्नर से अटैच करेंगे ये, और फिर तीसरा बॉक्स हम इस कॉर्नर से अटैच करेंगे, है ना। तो ये हमारे थ्री बॉक्स हो गए। अब हम नंबरिंग करेंगे तो ये ऊपर जाएंगे, हम वन से क्लॉकवाइज जाते हैं, टू फिर थ्री, फिर ये थ्री से फोर, फोर से फाइव, फाइव से सिक्स, सिक्स से सेवन, सेवन से एट, बस इसके बाद फिर वापस वन। तो हम इसको सीखते हैं कच्चा टाका, देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ से लेंगे वन से, वन के थोड़ा पहले से लेंगे, वन के थोड़ा पहले से लेंगे, पता है हमें टू से सीधा जाना है, और ये आड़ी लाइन के बराबर से हमें निकालना है ये। अब थ्री में फिर सीधा गए और इसको यहाँ से निकाले खड़ी लाइन से, है ना। अब थ्री में हमारा धागा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, क्योंकि थ्री के लिए टू का कॉर्नर देखेंगे, टू की खड़ी लाइन, खड़ी लाइन कैसी यहाँ पर नीचे, तो हमारा थ्री का धागा क्या होगा ऊपर। अब हम फोर में यहाँ गए, फोर से यहाँ निकाले ये। अब फोर में धागा हमारा क्या जाएगा नीचे, क्यों जाएगा नीचे, क्योंकि लाइन बनने वाली है इस तरह की, इस तरह की लाइन यहाँ पर बनी नहीं है। थ्री का देखेंगे, टू और थ्री की लाइन बनी हुई है, थ्री में देखेंगे, थ्री में लाइन क्या है नीचे, तो वन और एट के बीच में क्या लाइन आ जाएगी ऊपर, तो हम फोर में क्या डालेंगे नीचे, हमें एक ऊपर एक नीचे डालना है, तो ये नीचे जाएगी, ठीक है। अब फाइव में आ गए, ये नीचे, फिर यहाँ डाल दिए। फाइव में लाइन कैसे बनने वाली है, खड़ी इस तरह की, इसके लिए कॉर्नर कौन सा देखेंगे, ये वाला, यहाँ भी बना नहीं है तो हम यहाँ देखेंगे, फोर में, फोर में देखेंगे खड़ी लाइन का धागा फोर का कैसा है, ऊपर है, तो यहाँ जो आएगा एट और सेवन के बीच में ये नीचे जाएगा, तो अब फाइव में क्या करेंगे ऊपर। अब हम सिक्स में डालेंगे, फिर यहाँ लेंगे, सिक्स से निकालेंगे। अब देखिए सिक्स और सेवन की लाइन कैसी बनने वाली है, आड़ी, आड़ी सिक्स के लिए कॉर्नर कौन सा देखेंगे, फाइव का, फाइव की आड़ी, आड़ी लाइन देखेंगे, आड़ी लाइन कहाँ है नीचे, तो सिक्स में धागा क्या आ जाएगा हमारा ऊपर। अब हम यहाँ आएंगे,
अब ये सेवन, अब सेवन में ये लाइन कौन सी बनने वाली है, खड़ी है ना, तो इसके लिए सेवन के लिए कॉर्नर कौन सा देखते हैं, सिक्स, सिक्स की खड़ी लाइन को देखेंगे क्योंकि खड़ी लाइन बनने वाली है, सिक्स की खड़ी लाइन क्या है, नीचे, तो सेवन में क्या आ जाएगी, ऊपर, और फिर ये फाइव, फोर और फाइव के बीच में क्या आ जाएगी, फाइव ऊपर है तो ये नीचे, तो अब देखिए फाइव ऊपर यहाँ नीचे, फिर फोर में ऊपर, तो अब हम सीधा एट के आगे जाते हैं और यहाँ से निकालते हैं। अब ये देखिए एट की लाइन कौन सी बनने वाली है, आड़ी, आड़ी लाइन के लिए कौन से देखेंगे, ये वाली, यहाँ पर क्या धागा, ऊपर, तो एट में धागा हमारा कह जाएगा नीचे। जस्ट पास वाला कॉर्नर देखते हैं, अगर वो नहीं बना तब हम आगे जाते हैं। अब एट के लिए देखिए यहाँ पर तो हमने नीचे डाला, अब थ्री में धागा कैसा है, आड़ी लाइन का नीचे, तो ये यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, ऊपर, और टू में क्या है, ऊपर, तो हम वन में नीचे डालेंगे। ये कच्चा टाका हमने वन टू थ्री करा है, आई होप आपको समझ आएगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पक्का टाका सीखेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।